हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड, यानी कि ओवरव्यू ले रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के जो रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हमने ये जाना था कि रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और किस लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक बेंचमार्किंग करते हैं, वही ये डिसाइड होते हैं कि इसे, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हमें फॉलो करना है। और वो स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे आते हैं एग्जिस्टेंस में, कैसे आते हैं वो स्टैंडर्ड्स जो हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपस में डिबेट करते हैं, और फिर उसके बाद उसके में प्रोज देखे जाते हैं, कॉन्स देखे जाते हैं, एक्सपर्ट्स डिबेट करते हैं, और उसके बाद व्यूज़ लिए जाते हैं जो इंडस्ट्री के लोगों से व्यू लिए जाते हैं, और फिर स्टैंडर्ड्स क्रिएट होते हैं, स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस क्रिएट होती हैं। तो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो होती हैं वो एक स्ट्रक्चर नॉलेज को एक स्ट्रक्चर दे देती है, और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज होती है, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को हम पढ़ के एक्सपर्ट्स बनते हैं, उसी नॉलेज को अगर हम उसमें हमारी कॉम्पिटेंसी और स्किल्स डेवलप हो जाए तो हमें एक्सपर्ट्स कहा जाता है। और हम जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर हमें हम उसमें और फीडबैक दे सकते हैं और उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड्स हमें ज़रूरत है, स्टैंडर्ड्स हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसी से, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट्स बनते हैं, और उसी स्टैंडर्ड्स के थ्रू बेंचमार्किंग होती है, उसी स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये जाना था कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ओवरव्यू, एक हल्का सा व्यू जानने की कोशिश की थी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमारी स्टडी में पूरी तरीके से नहीं है। तो उसमें सबसे पहले हमने जाना था कि ऑडिटिंग इन एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया है, और उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड कोविड के बारे में जाना था। कोविड बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इसा का नाम का इंस्टीट्यूट है जो कि एसोसिएशन है, अमेरिका में रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो आईटी के करीब उसके मेंबर 140,000 मेंबर हैं, 200 कंट्रीज़ में उसके चैप्टर्स हैं, 200 चैप्टर्स हैं, 180 कंट्रीज़ में चैप्टर्स हैं, और वो ये कोविड के स्टैंडर्ड्स इशू करता है, और वो पांचवा वर्जन इशू कर चुका है। फिर उसके बाद कोविड के स्टैंडर्ड्स के बारे में हमने जाना था कि कोविड ऑफ स्टैंडर्ड्स का क्या फ्रेमवर्क होता है, बेसिकली एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की थी कोविड से, जैसे कि कल की डेट में आप ऑडिट करने जाएं और कोविड की बात हो, या अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 तो आप जानते ही हैं, अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड तो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू किया, तो उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन जो आपके कोविड स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कोविड स्टैंडर्ड ऑडिट के लिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कोविड स्टैंडर्ड्स हैं, तो जो कि इसा का जो है ने इशू किए हैं। उसके बाद हमने ये जान, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे BS 7799, ये ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में। BS स्टैंडर्ड्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिकली ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ही आगे जाकर ISO में कन्वर्ट हो गए, बेसिकली ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अगर कोविड और BS या ISO में अगर डिफरेंस करना हो तो ISO या BS जो हैं वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, और जो कोविड हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स हैं, वो सिक्योरिटी के पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं, पूरे वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम इफेक्टिवली एफिशिएंसी वो इफेक्टिवनेस के भी बारे में बात करते हैं, एफिशिएंसी के बारे में भी बात करते हैं, और इफेक्टिवनेस का मतलब गोल्स, बिजनेस के गोल्स कैसे रीच आउट हों, एफिशिएंसी का मतलब कम से कम रिसोर्सेज में कैसे रीच आउट हों, और वो सिक्योरिटी के बारे में भी बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, और वो रिलायबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं, और लॉ के बारे में बात करते हैं। यानी कि कोविड के स्टैंडर्ड्स जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे एरिया को टच करते हैं, लेकिन ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स या ISO केवल सिक्योरिटी एरिया को टच करते हैं। यानी कोविड के स्टैंडर्ड जो हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, और जो ISO के स्टैंडर्ड्स हैं या ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को अभी हम भूल जाते हैं, हम उसको बताएंगे कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को बाद में बताएंगे कि क्या है, लेकिन इस समय ISO देख लेते हैं। यानी कि एक तरफ है आपके कोविड है जो इसाका ने इशू किया, और एक तरफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं। तो ISO में दो स्टैंडर्ड्स हैं, 17799 2005 में इशू हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, ISO/IEC 17992005 बोला जाता है, और दूसरा है ISO/IEC
27001 2005 बोला जाता है। तो बेसिकली हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ISO 17799 और ISO 27001 27001, यानी कि ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ये सिक्योरिटी को देखते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी के चारों तरफ घूमते हैं। तो जो ISO के स्टैंडर्ड्स हैं वो ब्रिटिश ने इशू किए हैं। हम फिर से हम इसको एक समराइज़ कर लेते हैं। ISO के स्टैंडर्ड्स हैं ब्रिटिश ने इशू किए हैं, वो केवल सिक्योरिटी देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स देखते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है कोड ऑफ प्रैक्टिस और एक है सर्टिफिकेशन के लिए स्पेसिफिकेशन। यानी कि अगर आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो ISO 27001 होगा। अगर आप कहीं पर भी बात करोगे ISO 27001 की बात चल रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये समझ लेना सर्टिफिकेशन लेने की बात चल रही है। और ISO 17799 की बात चल रही है तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप एज एन ऑडिटर बात करोगे तो आप ISO 17799 की बात करोगे, वैसे सर्टिफिकेशन की भी बात कर सकते हो, लेकिन आप ये कहोगे कि जी उन्होंने कहा, आपने ओपिनियन किस बेस पर दी, तो आप ये कह सकते हो कि सर मैंने ओपिनियन, या आप जो अपने क्लाइंट को ही बता सकते हो कि ओपिनियन मैंने जो है वो ISO 17799 के रूप में के बेसिस पर दी, जो कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कोड ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब कोड ऑफ प्रैक्टिस किसके लिए है, ISMS बोला जाता है, ISMS इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मैनेजमेंट सिस्टम, तो यानी कि फिर से इसको समराइज करते हैं, जो दो स्टैंडर्ड्स हैं ISO 17799 जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ISO 27001 है जो स्पेसिफिकेशन देता है सर्टिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यानी कि अगर आपको सर्टिफिकेशन लेना है तो ISO 27001 का सर्टिफिकेशन लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को डेवलप कर सकता है, और वो किस पर डेवलप कर सकता है, ISO 17799 पर डेवलप कर सकता है। उसमें अच्छी प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई की गई हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ये कोड ऑफ प्रैक्टिसेस यूनिवर्सली अवेलेबल हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेशन के लिए डिज़ाइन नहीं है, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं बताता है जिससे कि आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ISMS का सर्टिफिकेशन मिलने के लिए आपको 27001 के स्पेसिफिकेशंस को मीट आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि ISO 17799 कंफर्म कर रहा है, वो उसके कोड ऑफ प्रैक्टिस से कंप्लायंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन मिलेगा उसे। उसको एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जब ISO 27001 के स्पेसिफिकेशंस वो एडहेयर कर रहा है। कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ISO 27001 और ISO 17799 दोनों को मीट आउट करते हैं, यानी उन्हें सर्टिफिकेशन भी मिलता है और उसके अलावा जो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं उनको भी मीट आउट करते हैं। तो ये आइडियल सिचुएशन है। और जनरली क्या होता है कि अगर आपको स्पेसिफिकेशन आपने सर्टिफाई कर लिए हैं तो आप मोस्ट ऑफ जो 27001 की रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लाई कर जाते हो। लेकिन क्योंकि एक तो कोड ऑफ प्रैक्टिस है और एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है, स्पेसिफिकेशन अलग होता है। अगर एक सिस्टम लगा लिया, आपने कार ले ली, कार में एक पर्टिकुलर कोड ऑफ प्रैक्टिस है और उसके स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। मान लिया एक कार की स्पेसिफिकेशन है, वो स्पीड ये करती ऐसा करती, और कोड ऑफ प्रैक्टिस अलग होगी, 60 की स्पीड में चलाना चाहिए, ये चलाना चाहिए। तो अगर आपके पास एक सिस्टम पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशंस आपने एडहेयर कर रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोड ऑफ प्रैक्टिस आप पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हो। तो दोनों अगर दोनों अचीव कर ली जाए तो बेटर है। तो बेसिकली ISO 17799 जो है उसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। ISO 17799 कोड है तो एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट बना प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के लिए, और वो इंडस्ट्री वाइड,
मतलब वो कोई ये नहीं कहता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए है, जैसे SAS 70 जो है वो आपका सर्विस सेक्टर्स के लिए, लेकिन ISO 17799 इंडस्ट्री, कॉमर्स, कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्री वाइड कोई भी किसी भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन का मोड आपका कोई भी है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी के कोड्स होंगे उनको स्पेसिफाई करता है ISO 17799। तो इसमें कुछ जो मतलब वो वाइड रेंजिंग सिक्योरिटी ऑप्शंस इंक्लूड करता है, मतलब उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के रिगार्डिंग भी क्लॉजेज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में भी क्लॉजेज़ हैं, एसेट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी, फिजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्वायर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसमें अगर BCP है तो उसमें कंप्लायंस है, तो उसमें क्या सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, कोड्स फॉलो किए जाएंगे, और अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके रिगार्डिंग कोड्स। तो यानी कि इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कोड्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो ISO 17799 में मिलेंगे। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, और इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में सारे कोड्स मिलेंगे, और ये सिंगल रेफरेंस पॉइंट है। अब ये जो ISO के स्टैंडर्ड्स हैं, ये कहाँ से आए, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारी स्टडी में दिया हुआ है। 1995 में जो हमारा एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट से जो स्टैंडर्ड्स देता है ISO, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स वेट्स एंड मेजर्स, और इसी तरीके से तो इशू करता है, इसी तरीके से ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने BS 7799 डेवलप किया, मतलब ये स्टैंडर्ड इशू किया। इनिशियली ये सिंगल स्टैंडर्ड था, यानी कि एक स्टैंडर्ड था, 1995 था, विंडो 95 जब आया था, बहुत पुराने ज़माने की बात है, और आज 20 साल हो गए, एंड 20 ईयर्स में आप सोचो क्या होता है। विंडो 95 स्टार्टिंग में आया था, कंप्यूटर्स 20 साल पहले और आज के कंप्यूटर्स, अगर स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग पावर कितनी बड़ी। तो BS 7799 आया था, और BS 7799 ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, कब किया, 20 साल पहले 1995 में, और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में डेवलप किया गया। और किस लिए डेवलप किया गया, ताकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो जैसे हम कॉमनली ISMS कहते हैं, तो ISMS को डेवलप करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। यानी 1995 में जब विंडो 95 जब आया था, तो उस टाइम पर आप ये सोचो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स कैसे होते थे, कितने लोगों के पास कंप्यूटर्स होते थे, कितने लोगों के पास लैपटॉप्स होते थे, और विंडो 95 आया, पहले MS-DOS चलता था उससे पहले, तो वो MS-DOS ब्लू कलर की स्क्रीन में आता रहता था, कुछ ब्लिंक करता रहता था, तो वो आप समझ सकते हो, उसको आइडिया लगा के देखो उस समय के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए। तो एक स्टैंडर्ड था, काफ़ी था, तब तक चीज़ें ऑटोमेट नहीं थी, इंफॉर्मेशन सिस्टम उतना वैल्यूएबल नहीं हुआ था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे, और वो ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे मिलिट्री में, गवर्नमेंट में, सारी जगह आपकी कंप्यूटर की यूज़ बढ़ने लग गई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। एक पेज का जो कह रहा हूँ, एक सिंगल स्टैंडर्ड था BS 7799, और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में डेवलप किया गया था, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को डेवलप करें और गाइड करें। तो BS 7799 एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड माना जाता था उस टाइम पर, 1995 में, कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ कंट्रोल्स माने जाते थे, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और वो बेस्ट प्रैक्टिस कितने एरिया में आती थी, केवल एक स्टैंडर्ड में आ जाती थी। तो वो क्या करता था कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता था, थ्रेट्स को मैनेज करने में हेल्प करता था, थ्रेट्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता था, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी मैंने थ्रेट्स आइडेंटिफाई मैनेज मिनिमाइज करने में करता था। उस समय भी वायरसेस थे, वायरसेस उतने ज़्यादा तेज़ी जिससे वो नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन उतनी तेज़ी से नहीं था, लेकिन वायरसेस वगैरह थे, और उसमें क्या है कि वो हैकर्स ये वो अभी उतना स्टार्ट नहीं हुआ था, US वगैरह वहाँ पर, ब्रिटेन वगैरह में
प्रॉब्लम स्टार्ट होनी स्टार्ट हुई थी। मतलब इंटरनेट उतनी तेज़ी से फैलना फैला नहीं था, वर्ल्ड वाइड नहीं फैला था, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में एक रीजनेबल लेवल ऑफ इंटर कम्युनिकेशन हो गया था। तो BS 7799 बाद में क्या है, ये ISO 17799 बन गया, वन आगे लग गया। अभी ये BS 7799 था, 7799 था। तो वो उसको ये माना जाता था इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम था, और ये एश्योर करता था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स और उसके अरेंजमेंट इफेक्टिव हों। मतलब मैनेजमेंट जो है अगर इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स और अरेंजमेंट इफेक्टिव होंगे अगर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया तो। तो BS 7799 जो है अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी पर फोकस करता था, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब क्या है हमने जाना, जहाँ सिक्योरिटी वहाँ CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन कि कॉन्फिडेंशियलिटी अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी तीन चीज़ हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी जाके ख़त्म हो जाती है। तो BS 7799 इन तीन चीज़ों पर फोकस करता था और इससे क्या होता था, ऑपरेशनल रिस्क कम हो जाता था, बिजनेस एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती थी। ऑब्वियसली रिस्क कम होगा, आप एफिशिएंट हो गए तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और एक एश्योरेंस हो जाती थी कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है रैशनली अप्लाई हुई है, मतलब ठीक तरीके से अप्लाई हुई, क्योंकि कंप्यूटर्स के बारे में उतना लोगों को जानकारी नहीं थी, स्टैंडर्ड्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। तो पहले एक स्टैंडर्ड आया BS 7799, सिंगल स्टैंडर्ड जो आया, और उसको कैसे देखा गया, कोड ऑफ प्रैक्टिस के रूप में देखा गया, बाद में ये ISO 17799 हो गया। तो पहला जो ये आया, जो पहला पार्ट आया, उसको कोड ऑफ प्रैक्टिस के रूप में देखा गया। मतलब अभी तक सर्टिफिकेशन की बात नहीं होती थी, ये नहीं कहा जाता था कि सर्टिफिकेशन करो, सर्टिफिकेशन आएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सर्टिफाई करो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन 27001 सर्टिफाइड है, ऐसा वैसा कुछ नहीं था। सर्टिफिकेशन की तो बात बाद में है, सर्टिफिकेशन तो जब आउटसोर्सिंग ये सारी चीज़ें हुई तो जब बोला गया कि भाई जब विप्रो इन्फोसिस जैसी कंपनी आई, उन्होंने आउटसोर्स वो काम का सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया है, जेनपैक जैसी कंपनी आई, आउटसोर्सिंग हुई, तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन की बात आई। आप आइए, आप में कोविड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर इनरॉन डिज़ास्टर हुआ, इनरॉन घोटाला हुआ, सॉक्स आया, तो कोविड आया तो वहाँ पर ये देखा गया कि भाई उसके वहाँ पर जो है सर्टिफिकेशन वगैरह की बात आई। तो अभी तक सर्टिफिकेशन की बात नहीं आई थी, अभी तक BS 7799 था। तो जो मतलब इवन एक्सटर्नल वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन दोनों नहीं था, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन बाद में आया। तो अब क्या हुई कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ने लगी, चारों तरफ बढ़ने लगी, सर्टिफिकेशन की डिमांड आने लगी, और फिर स्कीम्स आने लगी और उसके स्टैंडर्ड्स आने लगे। तो पार्ट टू क्रिएट कर दिया गया, उसको BS 7799 पार्ट टू कर दिया गया, जो कि बाद में ISO 27001 बना। यानी कि BS 7799 पार्ट वन था, पार्ट टू था। पार्ट वन तो थाई, पार्ट वन तो नहीं कह सकते उसे, ये कह सकते हैं BS 7799 था, लेकिन समझाने के लिए इजी हो तो BS 7799 पार्ट वन था। अब उसके बाद आया BS 7799 पार्ट टू, क्योंकि सर्टिफिकेशन की डिमांड आने लगी, लोग कहने लगे भैया सर्टिफिकेशन चाहिए। तो आज की डेट में क्या है, जो ISO 17799 है उसमें कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस है, वो BS 7799 पार्ट वन है, जो रीसेंट वर्जन है कोड ऑफ प्रैक्टिस का, उसे ISO/IEC 17799 2005 बोला जाता है, क्योंकि वो 2005 में फाइनली अपडेट किया गया था। वैसे काफ़ी पुराना हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी CIE, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, क्योंकि एक छोटे से एरिया में, तभी तो 2005 से आज तक जो सिक्योरिटी के जो ब्रॉड स्टैंडर्ड्स हैं वो आज तक चेंज नहीं हुए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए। कंप्यूटर्स चेंज हो गए, कंप्यूटिंग पावर चेंज हो गई, सॉफ्टवेयर्स में चेंजेस आ गए, लेकिन सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स वही हैं, इसीलिए 2005 से आज तक टिका पड़ा है। अदरवाइज़ तो नया स्टैंडर्ड आ जाना चाहिए था, जबकि कोविड टोटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखता है। तो कोविड 2012 में पांचवा वर्जन आ गया था, कोविड 5 जो है 2012 में इशू कर दिया गया था, बल्कि उसके एक आध दो वर्जन 2012 में और फिर इशू किए गए।
तो जो BS 7799 जो पार्ट फर्स्ट है उसको हम ISO 1799 कह सकते हैं या ISO 1799 2005 कह सकते हैं। तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि जो पार्ट टू था, जो पार्ट टू को क्या है, पार्ट टू जो है वो ISO 27001 है, वो उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं और उसमें क्या है, सर्टिफिकेट मिलता है आपको, सर्टिफिकेशन मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2002 में जो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स थे इसको विड्रॉ कर दिया गया और ISO का नाम दे दिया गया, क्योंकि इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होने में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इवॉल्व में कई बार नेमिंग स्कीम चेंज होती है, तो नेमिंग स्कीम चेंज होगी और आज की डेट में ISO स्टैंडर्ड्स है, BS नहीं है। BS 7799, इसको समराइज़ करें, BS 7799 था, BS 7799 सिंगल स्टैंडर्ड था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ने इसे, स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया था, 1995 में इसे डेवलप इशू किया था। BS 7799 जो था विंडो 95 के ज़माने का स्टैंडर्ड था, एक सिंगल स्टैंडर्ड था और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन करता था, केवल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड था और ये कोड था, बेसिकली कोड ऑफ प्रैक्टिस था। धीरे धीरे ज़माना चेंज होने लगा, सर्टिफिकेशन की बात आई, आउटसोर्सिंग कंपनी आई, जिनपैक जैसी कंपनी जैसे हिंदुस्तान में डेवलप हुई और आपकी ये दूसरी विप्रो, इंफोसिस इंडिया में हुई और बाहर में तो और सारी 85 कंपनी थी, चाइनीज़ कंपनी थी, तो वहाँ पर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हुई, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो BS 7799 पार्ट टू किया गया। बाद में क्या, 2002 में इसको दोनों को विड्रॉ कर लिया गया तो और दो स्टैंडर्ड बने, दो स्टैंडर्ड में ISO 1799 था और ISO 27001 था, 27001। जो ISO 1799 और ये आज की डेट में 2005 में अपडेटेड है ये स्टैंडर्ड, तो इसे ISO 1799 2005 या ISO 27001 2005 कहा जाता है। एक जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस बताता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की कोड ऑफ प्रैक्टिस बताता है और की मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस का कोड होगा जिससे सिक्योरिटी सही तरीके से रही, और दूसरा यह है कि स्पेसिफिकेशन बताता है कि आपके वहाँ कोई बंदा ऑडिट करने आया तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगा और फिर उसके बाद ऑडिट करेगा। तो क्या होता है कि कंपनी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है, आप कहते हो जी मैं इस तरीके से काम करूंगा, और दूसरा कंपनी के अंदर कल्चर होता है, और दूसरा ये होता है कि ऑडिटर आ रहा है पूरी कंपनी एक झटके में चेंज हो जाती है और फिर उसी के अनुसार काम करने लगती है, और समय कुछ भी कर रहे होते हो लेकिन जिस समय ऑडिटर आता है या सर्टिफिकेशन आता है उस समय सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर मैंने ये खुद देखा है कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने कि जो लाइसेंसेज हैं वो नकली लाइसेंसेज होते हैं, पायरेटेड लाइसेंसेज यूज़ करती हैं कंपनी, जो छोटी कंपनी है वो तो बहुत ज़्यादा करती हैं, वो ओरिजिनल लाइसेंस यूज़ नहीं करती हैं, मतलब वो खरीदती नहीं है लाइसेंसेज को, वो पायरेटेड विंडो के वर्जन करती हैं। इवन कंपनीज ऐसा करती हैं हिंदुस्तानी, अभी बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्लेन कर दी थी तो वो एक CBI वगैरह का केस भी चला था, वो कई कंपनी वहाँ वो पता चला कि वो ट्रेडमार्क वायलेट हो रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो उसने फ्रॉडलेंट लाइसेंसेस बेच दिए थे, बाद में पता चला ये लाइसेंसेस फ्रॉडलेंट हैं, तो ये पूरी चीज़ चली। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोड ऑफ प्रैक्टिस होता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस में आप ईमानदार होते हैं, ईमानदारी किससे काम करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी की बातें होती हैं, आप ईमानदारी से वो करते हो, और एक तरफ ये होता है कि सारा लीपा पोती होती है, ईमानदारी नहीं होती, दिखती ईमानदारी है जिस समय सर्टिफिकेशन है। तो सर्टिफिकेशन लेना है तो 27001 है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ISO 27001 की बात आ रही है तो सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, तो सर्टिफिकेशन मिला तो एक मिनिमम, लेकिन सर्टिफिकेशन भी क्या है कि एक मिनिमम सिस्टम्स होनी चाहिए तभी सर्टिफिकेशन होगा, उसके बिना नहीं मिलता है आपको। सर्टिफिकेशन एक मिनिमम एश्योरेंस करता है। कोड ऑफ प्रैक्टिस अगर आपने वो लागू किया अपने कंपनी में तो इसका मतलब आपके अंदर वो कल्चर आ गया है, वो दोनों में बहुत डिफरेंट है। इसके बाद है SAS 70, SAS 70 जो है वो है स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 70 और ये लगता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, और इसे इशू किया है AICPA ने, यानी कि अमेरिकन जो सर्टिफाइड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उसने SAS 70 इशू किया है, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 70। तो आज के टाइम में दो चीज़ें हो रही हैं, पहली चीज़ तो ये हो रही है कि ऑटोमेशन हो रहा है चीज़ों का, और दूसरी बात सर्विस सेक्टर बढ़ते जा रहा है।
यानी कि वाइस इकोनॉमी बढ़ रही है। पहले क्या होता था, आदमी बहुत बुरी तरीके से रहता था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी और वहाँ पर बहुत बुरी हालत होती थी आदमी की, लेबरर्स होते थे और फीडुअल स्ट्रक्चर होता था, यानी कि एग्रीकल्चर से पहले हम हंटर थे, हंटर के बाद हमें एग्रीकल्चर सीखना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करना है, और उसके बाद हमने क्या किया कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो उसमें हम खेत होते थे, राजा होते थे, राजा खेत दे देते थे, जमींदार लोगों को खेत दे देते थे, और जमींदार लोग के नीचे उनके पास एक खेत होता था, कुछ किसान होते थे, और फिर वो किसान वहाँ पर काम कर रहे होते थे और वो बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे उनको। गरीबी बहुत थी, आदमी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत थी, उस सन 1947 में 47 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की डेट में हिंदुस्तान में करीब 65 साल या के करीब हो गई है, 65-70, मेरे को सही से ध्यान नहीं है, लेकिन सन 47 में करीब 47 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एवरेज। कोई आदमी ठीक ठाक है, उसका बिल्ट इतना ठीक ठाक है तो वो 80-85-100 तक जी जाता था, 1-2-3-4 आदमी, बाकी लोग जवानी मर जाते थे, 47-44 पर एक आदमी रिटायर हुआ तो वो डेथ हो जाता था, पता चलता था उनका रिटायरमेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो लोग कहते थे उनकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो क्या हुआ, अरे वो रिटायर हो गए थे ना, रिटायरमेंट के बाद आदमी जनरली निकल लेता था। तो उस टाइम पर क्या होता था कि एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, एक्सप्लॉयटेशन था, लोग वो नहीं हो जाते, एकजुट नहीं हो पाते थे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया, उसने लोग काम करने लगे, वहाँ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा लोग काम करते थे, लेकिन वो ज़्यादा लोग जो काम करते थे वो उनका यूनियन बननी स्टार्ट हो गई और वहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा जी तुम हो गए राजा, एक खेती कर रहा है एक आदमी, एक किसान है, उसके अंदर उसके खेत में 1,000-4,000 आदमी काम कर रहे हैं बस, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में करते थे और उनको निकाल दिया जाता था, मजदूर करते थे और उनको खेत से निकाल दिया जाता था, खेत में तो कुछ रेगुलर प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें रेगुलर प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेट होती चली गई, सर्विस सेक्टर आया, तो सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है आज की डेट में, सर्विस सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि नीचे की सारी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं। अब सर्विसेज का ज़माना है, मतलब ऐसा है कि ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, अगर मान ले खाने के लिए मिल गया, ये मिल गया, तो क्या कौन सा बिजनेस रहेगा, जब ऑटोमेशन मैक्सिमम हो गया तो ह्यूमन बीइंग एडवेंचर स्पोर्ट करेगा, यानी कि ऐसे स्पोर्ट करेगा, एडवेंचर स्पोर्ट की तरफ जाएगा, वाइस इकोनॉमी पैदा होगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगी, और वो हो रहा है जो डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई, जैसे जापान जैसी कंट्री है जिसमें उनकी आज़ादी के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब उनकी वन ऑफ लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी, आज की डेट में 80-85 आराम से है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में 85 साल है। वुमेंस की तो और भी ज़्यादा है, वहाँ पर वुमेंस की सिचुएशन और भी बेटर है इसलिए वहाँ और भी ज़्यादा है। तो सर्विस सेक्टर बढ़ता चला गया है, ऑटोमेशन हो गया तो सर्विस सेक्टर बढ़ता चला गया, अब सर्विस सेक्टर और बढ़ता जा रहा है क्योंकि बाकी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं। अगले 20 साल में एग्रीकल्चर भी ऑटोमेट हो जाएगी, एग्रीकल्चर में आपके जो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें मोस्टली एग्रीकल्चरल ऑटोमेशन होता है, लेकिन जब कटाई होती है वो ऑटोमेट नहीं होती है, लेकिन अब वो टेक्निक्स आ रही हैं कि कटाई भी ऑटोमेट हो जाए, मशीन को पता चल जाए कि फ्रूट्स तोड़ने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है, कच्चा है पक्का है, क्योंकि उस समय ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत होती है पूरे। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चरल ऑटोमेट हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेट हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, सेंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे सेंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, और डेटा के थ्रू उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये डेटा नंबर क्रंचिंग ये सारी चीज़ें क्या है, ये नंबर क्रंचिंग डेटा क्रंचिंग ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर है, ये भी सर्विस सेक्टर है। एक सॉफ्टवेयर बना रहा है वो क्या है, वो भी सर्विस सेक्टर है। एक होटल इंडस्ट्री वो क्या है, सर्विस सेक्टर है, होटल सर्विसेज दे रहा है, 5-स्टार होटल वगैरह बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे रहा है, उसका पैसा ले रहा है। तो आज सर्विसेज बढ़ती चली जा रही हैं और ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट में आउटसोर्सिंग बिजनेस प्रोसेस बढ़ रहा है, मतलब ये आउटसोर्सिंग की प्रैक्टिसेज ये कॉमन प्रैक्टिसेज हैं,
तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, और पर्टिकुलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स और सेफगार्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, पर्टिकुलरली जब डेटा जो है वो किसी और का है, कस्टमर का है, या पर्टिकुलरली जब आप डेटा से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो। कल की डेट में तो आप आदमी कंट्रोल कर रहा होता था, उसको एक बार ट्रेन कर लिया तो उस पर रिलाई किया जा सकता था, और अगर नहीं करता था तो उसको एग्रीकल्चरल सेक्टर था तो आदमी को पीटा जाता था, मारा जाता था, और जब मैन्युफैक्चरिंग से आया तो आदमी को चीन भी किया जाता था उस टाइम पर, पुराने टाइम पर, जब आज से कोई 100 साल 150 साल पहले की बात है। और इसी वजह से कम्युनिज्म आया, और पर USSR वगैरह में कम्युनिज्म आ गया, जो वर्कर्स ने क्रांति की, क्योंकि वो इकट्ठा हो पाए, मैन्युफैक्चरिंग जगह पर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पर इकट्ठा हो पाए। उसके बाद आया सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर ने सिचुएशन ही चेंज कर दी। सर्विस सेक्टर ने इसलिए चेंज की क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो गई थी, अब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो गया था। आज ये नहीं है, आज आप ठीक तरीके से पैसा देंगे तो प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर आज की डेट में आप अच्छा पैसा देने के लिए तैयार हो तो चाइनीज़ तैयार हैं आपको गुड्स और प्रोडक्ट देने के लिए, कोई कितना प्रोडक्ट चाहिए जितना प्रोडक्ट चाहिए वो बना के दे देंगे आपको, और भी कंट्रीज हैं वो बना के दे देंगे। तो आज की डेट में प्रोडक्शन, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी अगर आप दोगे तो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट नहीं है, तो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से बढ़ गई। तो सर्विस सेक्टर बढ़ा, और सर्विस सेक्टर ने बड़ी अजीब अजीब चीज़ लेकर आई, जैसे ये यूट्यूब भी सर्विस सेक्टर है, उसके अलावा आउटसोर्सिंग होने लगी। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकाउंट्स आउटसोर्स होगा, अकाउंट्स में भी अकाउंट पेबल आउटसोर्स हो जाएगा, रिसीवेबल आउटसोर्स हो जाएगा। एक आदमी बैठा होगा, एक कंपनी बैठी होगी, वो पेबल रिकन्सिलेशन कर रही होगी, एक सेल्स रिकन्सिलेशन कर रही होगी। तो सर्विसेज किसी भी सर्विसेज की हो सकती है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग है, सेल्स और पेरोल प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन और क्लेम प्रोसेसिंग है, आईटी मैनेजमेंट है, डेटा सेंटर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी भी तरीके की सर्विस हो सकती है। आज की डेट में क्या होता है कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वहाँ पर क्या है, पूरा आईटी डिपार्टमेंट सिंगापुर में था, जो स्पेशलिस्ट बैठते थे, 4 स्पेशलिस्ट थे, वो पूरी वर्ल्ड के आईटी की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। लोकली उन्होंने एक आईटी का बंदा दे रखा था, बस अगर कोई प्रॉब्लम आता था वहीं से शेडोइंग करते थे, मतलब अपने सिस्टम से देखते थे हमारे सिस्टम को, और आजकल बहुत नॉर्मल बात है, और उस सिस्टम में प्रॉब्लम ठीक कर दिया करते थे, कोई ज़्यादा वो नहीं होती थी। और मैंने ऐसा कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। तो आईटी मैनेजमेंट सर्विसेज भी आउटसोर्स हो रही हैं। अब जब ऐसा होने लगेगा कि एक कॉन्टिनेंट दूर आदमी बैठ के दूसरे कॉन्टिनेंट के सिस्टम को हिलाना स्टार्ट कर देगा, या यहाँ पर आदमी बैठेगा आउटसोर्सिंग करने लगेगा, तो और उसकी वैल्यू, उस बिजनेस की वैल्यू ह्यूज हो जाएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाएगी, तो वहाँ पर उस एरिया के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत होगी। तो SAS 70 आया, SAS 70 और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए SAS 70 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, और ये अमेरिका के CPA ने डेवलप किया, मतलब AICPA जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है उसने डेवलप किया। उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन तो आउटसोर्स कर रहे हैं और तरह तरह की चीज़ हो रही है, जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें पैराडाइम शिफ्ट हो गया, और वहाँ पर स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। तो सर्विस सेक्टर, पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर के लिए एक स्टैंडर्ड लाया गया, और उस स्टैंडर्ड का नाम SAS 70 दे दिया गया। तो बेसिकली SAS 70 जो है इनडेप्थ ऑडिट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, यानी कि इनडेप्थ ऑडिट किसका, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए SAS 70 होता है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड प्रोसेसेस पर कंट्रोल्स में हेल्प करता है हमें SAS 70। SAS 70 जो स्टैंडर्ड्स हैं इन सब चीज़ों में हमें वो करता है। तो SAS 70 का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो ऑडिटर जाएगा, वो स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट को भरता है, तो जो उससे क्या है, एक ये से पता चल जाता है कि ऑडिटर ने एग्जामिन किया है, मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल एक्टिविटीज़ को को ऑडिट किया है। क्योंकि इसी तरीके से आप भर नहीं सकते, मतलब नॉर्मली आप जब तक आपको जैसे कारो रिपोर्ट दी गई, कारो रिपोर्ट क्यों दी गई, क्योंकि ऑडिट ठीक तरीके से नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा जी स्पेसिफिकली बताओ ये देखा कि नहीं देखा और इसके बारे में बताओ, कल की डेट में ये चीज़ें गलत निकलेंगी तो आप ऑडिटर को लायबल माना जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के में जो है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटी को एग्जामिन जो है ये करेंगे। तो ऑडिटर जो है, मतलब सैस 70 में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा ऑडिट रिपोर्ट का, और वो उस रिपोर्ट में, उस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट देनी होगी। तो इसलिए इन ऑडिटर्स को कई बार सर्विस ऑडिटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऑडिटर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर के आईटी के कंट्रोल्स को एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद रिपोर्ट देंगे। तो सर्विस ऑडिटर्स जिन्हें हम ऑडिटर्स ऐसे जो सैस 70 की ऑडिट रिपोर्ट देते हैं उनको सर्विस ऑडिटर भी कहते हैं। तो ये जो सर्विस ऑडिटर हैं ये AICP के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, भले ही फील्ड वर्क के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हो, रिपोर्टिंग के लिए, किसी के लिए भी हो। मतलब ऑडिटर जाएगा वहाँ पर तो फील्ड वर्क कैसे करेगा, यानी ऑडिट के प्रोसीजर्स कैसे फॉलो करेगा, क्वालिटी कंट्रोल्स हैं उसकी ऑडिट रिपोर्टिंग में, क्वालिटी कंट्रोल्स क्या क्या होंगी और रिपोर्टिंग सब में जो सैस 70 को फॉलो करना है, जो सर्विस ऑडिटर को है सैस 70 को फॉलो करना है। तो सैस 70 दो टाइप की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट। अब ये दो टाइप की रिपोर्ट क्यों प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करनी पड़ती है? असल में जो टाइप 1 रिपोर्ट होती है वो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होती है, और टाइप 2 रिपोर्ट होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑडिट करते हो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कंट्रोल्स देखते हो आप, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को देखते हो, उसके कंट्रोल्स के जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर उसके कंट्रोल्स को देखते हो और रिपोर्ट में उसको डिस्क्राइब करते हो। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कहाँ पर होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि टाइप 1 में आज की डेट में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस पीरियड में ऑडिट कर रहा हूँ उस समय क्या सिचुएशन है। टाइप 2 रिपोर्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड करती है, लेकिन आपको डिटेल टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। मतलब जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंट्रोल्स की डिटेल टेस्टिंग करनी पड़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी ऑडिट में एक रिलायबिलिटी नाम की बहुत फैक्टर होता है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि सिस्टम रिलायबल है कि नहीं है, यानी कि कंटिन्यूटी का एक फैक्टर होता है। कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूस कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप दो चीज़ें देखोगे, अभी कंट्रोल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली कंट्रोल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल आपका घर है, आप बाहर चले गए, मालूम पड़ा ताला लगा के गए, ताला ने कहा कि मैं जी 1 घंटे काम नहीं करूँगा, 1 घंटे खुले रहूँगा, मतलब 24 घंटे में से आप कहीं दार्जिलिंग गए घूमने के लिए 10 दिन के लिए, और आपके ताले ने कहा कि 1 घंटे में खुले रहूँगा दिन में, और बाकी या रात को जब भी है बाकी टाइम पर मैं लगे रहूँगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट है। टाइप 1 रिपोर्ट ये है जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइप 2 रिपोर्ट जो है टोटल पीरियड ऑफ टाइम में आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो अब क्या होता है कि आउटसोर्सिंग का टाइम है, आउटसोर्सिंग के टाइम पर मालूम पड़ा आप 10 लोगों से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, 10 लोगों ने 10 तरह की रिपोर्ट मांग ली। किसी ने कहा कोविड फॉलो होना है, किसी ने कहा आपके पास ISO के सर्टिफिकेशन है कि नहीं, इस तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, बहुत सी चीज़ें मांग सकते हैं। AICPA ने ये कहा कि भाई ये जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है अगर 25 तरह के ऑडिट रिपोर्ट्स देगा, 25 तरीके की चीज़ें करेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, वो उन्होंने एडेड वो मतलब वो प्रोएक्टिव रहते हैं, वो कहते हैं हम ISO भी अडहर करेंगे, कोविड भी अडहर करेंगे, सैस 70 भी अडहर करेंगे वो, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फोसिस अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करता है। वो कहता है कि मैं हर तरीके से ऑडिटेड रहूँगा और मेरा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करूँगा, मैं बिल्कुल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करूँगा, मैं हाईएस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉलो करूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉलो करूँगा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तो वो फॉलो ही करते ही करते हैं, और उसके अलावा भी अगर उसके ऑडिटर उसको देखो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह को देखो, तो आपको लगेगा कि जो रिकमेंडेटरी स्टैंडर्ड्स भी वो फॉलो करते हैं, और कई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको देने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उनकी उनकी वो कर भी सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए उतना कॉस्टली भी नहीं है, उनके सिस्टम्स इतने ऑटोमेटेड हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, उनका बिज़नेस अगर वो एक और स्टैंडर्ड लेंगे तो बिज़नेस में फ़र्क पड़ सकता है। अगर वो ज़्यादा उनको बैकएंड ज़्यादा लेना पड़ेगा, और बैकएंड में ज़्यादा आदमी लेने पड़ेंगे, इसमें काम में आगे ले आने पड़ेंगे, एफिशिएंसी घट जाएगी। तो क्या है
कई छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिडिल साइज ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एफिशिएंट रहना चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं कि 25 तरीके के ऑडिट, 25 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, मल्टीपल ऑडिट ऑडिट से गुजरे, मल्टीपल स्टैंडर्ड से गुजरे, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री हैं तो सैस 70 उनकी हेल्प करता है। तो सैस 70 क्योंकि सैस 70 एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स को रिव्यू करेगा और फिर एक ऑडिट रिपोर्ट देगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट। और इसमें क्या है, ऑडिटर की ओपिनियन होगी, एक डिस्क्रिप्शन होगा कंट्रोल्स का, जो कंट्रोल्स हैं, उसके बाद ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की टेस्टिंग होगी और इसकी एक डिटेल रिपोर्ट होगी, टाइप वन रिपोर्ट होगी, टाइप टू रिपोर्ट होगी। और फिर जब कंक्लूजन होगा ऑडिट का, तो सैस 70 एग्जामिनेशन जब कंक्लूड हो जाएगा, यानी सैस 70 का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को वो रिपोर्ट दे दी जाएगी। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिल गई, तो उस वो कस्टमर के सामने एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन्होंने फॉलोअप कर दिए हैं, और मिनिमम स्टैंडर्ड किसके, AICPA के, और वो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। अगर आज की करंट सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल ऑडिट रिक्वेस्ट आ सकती हैं, कस्टमर से, रिस्पेक्टिव ऑडिटर से, बहुत सारे लोगों से। लेकिन सैस 70 ऐसी है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट दिया तो उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपर्ट ने वो पर्टिकुलर रिपोर्ट दिया, तो इसलिए सैस 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सैस 70 में एक प्रॉब्लम भी है। अब सैस 70 में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सैस 70 में क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है खुद अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताता है, कि मतलब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव खुद बता रहा है। अगर मान लिया उसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है और ऑडिट रिपोर्ट फिर फेवरेबल आ जाएगी, क्योंकि कई जगह पर वो फेवरेबल ऑडिट रिपोर्ट आएगी, जो कि सही नहीं होगा, जो क्योंकि कई जगह पर इस तरह का होगा, लिखा होगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो बताए गए हैं उसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताए ही नहीं वो, उसने कहा हमारे कोई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, और वो नहीं है तो मैच कर जाएगा ऑटोमेटिकली। जब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहे हैं और कोई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपने कहा नहीं है, कि आपने कहा कि जी मैं मुझे 100 मीटर की रेस दौड़नी है, और कितनी देर में दौड़नी है, उन्होंने कहा कितनी भी देर में दौड़नी है, तो फिर वो एक टाइमिंग लिमिट नहीं हुई। तो इसी तरीके से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अगर आपने, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो कई वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सैस 70 जो है वहाँ पर रिपोर्ट को पढ़ने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लिया सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर रिलाई करना चाहते हो, सैस 70 वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और उसने सैस 70 की और सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट इशू हो चुकी है, तो आप उसको देखोगे तो ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बताए। और कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सिक्योरिटी पॉलिसी अगर मान लिया सपोज नहीं है, और इनफेक्टिव सिक्योरिटी पॉलिसी है, और उसने कहा कि जी हम सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे है ही नहीं, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है सिक्योरिटी पॉलिसी का, तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि उसमें कॉलम में लिखा होगा कि क्या सिक्योरिटी स्टेटेड सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार सिक्योरिटी पॉलिसी है कि नहीं है। जो इन्होंने स्टेटेड सिक्योरिटी पॉलिसी बोली है, जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी कह रहे हैं, उतनी सिक्योरिटी है कि नहीं है, तो आपको जो सर्विस ऑडिटर है वो येस में आंसर देगा, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन टाइप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी सैस 70 में। लेकिन उसका एक बेनिफिट भी है, उसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लिया सपोज आप आउटसोर्सिंग कंपनी हो और आप US में किसी ने आपको कोई चीज़ आउटसोर्स कर रखा है, तो आपको आपकी जो जिस कंपनी जो आपका कस्टमर है उसने बोला आप ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आपको मीट आउट करने, तो वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव सैस 70 बता देगा कि ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो जो ये इन्होंने स्टेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मीट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर उन उस रिपोर्ट में रिलाई कर सकता है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज 10 कस्टमर हैं, 10 कस्टमर ने 10 ऑब्जेक्टिव बताए, तो हम वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के एक कंप्रेहेंसिव लिस्ट बना देंगे और उन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बना देंगे और कहेंगे ये सारे कॉम्प्रहेंसिव, और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हम अपना बताएंगे कि ये सारे कॉम्प्रहेंसिव ऑब्जेक्टिव हम मीट आउट करते हैं। तो सैस 70 वाला ऑडिटर अगर बोलता है कि हाँ ये सारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स ये मीट आउट कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो आप पर रिलाई करने लगेंगे, क्योंकि 10 आपके कस्टमर हैं, 10 किने 10 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स दे दिए आपको, 10 टाइप के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपने मिला के एक बनाया, और जो सैस ऑडिटर है, जो सर्विस ऑडिटर है, उससे बोला कि ये हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है,
और ये वो उसको ऑडिट करो, उसने ऑडिट करके आपको रिपोर्ट दे दी कि हाँ ठीक है आपने ठीक कर रखा है सारा सिस्टम को सपोज, तो आपने बोला और वो रिपोर्ट दे दी, वो टाइप टू रिपोर्ट दे दी। टाइप टू मतलब कि अक्रॉस दी पीरियड ये कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, अक्रॉस दी पीरियड ये इन कंट्रोल्स को अडहेयर कर रहे हैं, तो आप उसको 10 ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट भेज सकते हो कि ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में हमें ओके मिला है, मतलब ऑडिटर ने ओपिनियन दिए, पॉजिटिव ओपिनियन दिए, तो वो मल्टीपल ऑडिट्स आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो SAS 70 वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पर सर्विसेज दे रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे रहा है, तो उस टाइम पर ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि फिर जो हमारा कस्टमर है वो, या हम अगर किसी के कस्टमर हैं और हम चाहते हैं कि हम आउटसोर्सिंग का धंधा हमने दिया, बिज़नेस उसको दिया, तो हम चाहते हैं कि एक मिनिमम चीज़ें ये कंप्लाई करें, तो वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में दे देगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हम कंप्लाई कर रहे हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ये हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑडिटर ऑडिट कर लेगा, टाइप टू ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। टाइप टू ऑडिट रिपोर्ट, टाइप वन ऑडिट रिपोर्ट हम पहले ही समझा चुके हैं, टाइप वन ऑडिट रिपोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइप टू अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि टाइप टू ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अक्रॉस द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल किए जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव मीट आउट किए जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल्स लगें, एक रेजनेबल लेवल ऑफ कंट्रोल्स लगें, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ कंट्रोल्स लगें, इसलिए SAS 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। SAS 70 ने मल्टीपल ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है। SAS 70 ने इस जो बैकएंड, ये पर्टिकुलर बैकएंड काम है, ऑडिट वाला बैकएंड काम है, इसको सिंप्लीफाई किया है, ईजी किया है, मल्टीपल ऑडिट रिपोर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट से SAS 70 से सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट क्लाइंट के स्टेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, जो डिफरेंट क्लाइंट आपसे चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्टिकुलर स्टेटेड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स लगे हों, उसको कंप्लाई कर सकता है। थैंक्स।